हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम यू ऑल अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन सीरीज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के पहले प्रोग्राम को आपको सिस्टम पे कैसे लिखना है, कैसे प्रोग्राम रन करेंगे हम, कहाँ पर हम पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रूल नंबर वन, जो आप लोगों को पता है, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन पर क्लिक करिए और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम पीपल गेट बेनिफिटेड ऑफ दिस वीडियो, राइट। तो यदि आपको पाइथन के प्रोग्राम को कंपाइल करना है, रन करना है, आउटपुट देखना है, ओके, तो मैंने आपको याद है बताया था कि हम दो टाइप से इसको अभी रन और कंपाइल करना सीखेंगे, यूजिंग नोटपैड एंड यूजिंग पाइथन आईडीएलए, ओके। तो चलिए दोनों, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट पाइथन डॉट पी वाई सी फाइल मैनुअली, कि अगर आपको मैनुअली फाइल क्रिएट करना है, बिकॉज दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इन इंटरव्यू, कि हाउ टू क्रिएट पी वाई सी फाइल, ओके। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप पे आपको, अच्छा, पाइथन इंस्टॉल आप लोगों ने कर लिया होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पाइथन का इंस्टॉलेशन बताया था, इफ यू रिमेंबर, है ना, कि हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन योर मशीन, ओके। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि यदि मान लो मुझे पाइथन का कोड लिखना है, तो सबसे पहले आप एक फोल्डर क्रिएट कर लें। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, मान लो पाइथन डेटा के नाम से एक फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया, ताकि हम सारे प्रोग्राम अपने इसी फोल्डर में रखेंगे, ओके। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि हम पहली बार नोटपैड के साथ प्रोग्राम देख रहे हैं। तो नोटपैड ओपन करके यहां पर आपको वो कमांड लिखनी है जो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बताई है, ठीक है। तो चले पहला प्रोग्राम सिंपल बनाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो नोटपैड में हमें क्या करना है, सिंपली अगर मैंने लिखा प्रिंट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ठीक, प्रिंट वेलकम इन डेटा फ्लेयर, ठीक है, और इसके बाद जस्ट सेव दिस प्रोग्राम, इसको आपको करना है सेव। कहां सेव करना है, उस फोल्डर में जो हमने क्रिएट किया है। तो हमने सी ड्राइव में अभी एक फोल्डर बनाया पाइथन डेटा के नाम से, ठीक, इस को सेव करते टाइम बस एक चीज ध्यान रखना, प्रोग्राम का नाम आप जो भी देना चाहें, जैसे मैंने प्रोग्राम का नाम दिया फर्स्ट, लेकिन एक्सटेंशन आपको क्या यूज करना है, डॉट पी वाई, वो इसलिए क्योंकि जिस एडिटर पे अभी हम काम कर रहे हैं नोटपैड, वो पाइथन का एडिटर नहीं है, दैट इज नॉट पाइथन एडिटर, ठीक है, ये डिफॉल्ट विंडोज का एडिटर है। तो एक बार इसको आप फर्स्ट डॉट पी वाई से आपने सेव कर लिया, ठीक, इसके बाद आपको इसको मिनिमाइज करना है, क्योंकि ये आइडियली एनवायरमेंट नहीं है, अब आपको रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा, और यही एडवांटेज होगा जब अपन अभी पाइथन आईडीएली एनवायरनमेंट पे काम करेंगे। याद है आपको, मैंने आपको बताया था आईडीई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो अभी हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी हम नोटपैड यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट में जब आप आएंगे, तो यहां पर आके आपको क्या करना है, सबसे पहले उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने प्रोग्राम अपना सेव किया है, ठीक है। अभी आप जिस फोल्डर में हैं वो है डिफॉल्ट फोल्डर सी यूजर एडमिन, ठीक है, वो आपके सिस्टम पे कुछ और भी हो सकता है। तो यहां से cd स्लैश कमांड से आप पहले बाहर आए, cd backslash एंड देन राइट cd और अपने फोल्डर का नाम। तो अपने फोल्डर का नाम क्या है, पाइथन डेटा, ठीक है। तो ये आ गए हम पाइथन डेटा फोल्डर में, और एक बार अगर आपको चेक करना है कि आपका प्रोग्राम प्रॉपरली इसी फोल्डर में सेव हुआ या नहीं, तो जस्ट यूज दिस dir कमांड एंड सी दिस वन, यार आपका फर्स्ट डॉट पी वाई प्रोग्राम। अब इसको क्या करना है, कंपाइल करना है, रन करके आउटपुट देखना है। तो ये काम हम दो कमांड में से किसी भी एक कमांड से कर सकते हैं, मतलब पाइथन का प्रोग्राम दो कमांड के साथ रन होता है, उनमें से आपको किसी एक को ही यूज करना है, दोनों को नहीं करना है। पहली पाइथन, फर्स्ट इज पाइथन कमांड, सिंपली यू हैव टू राइट पाइथन python पाइथन नेम ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट डॉट पी वाई एंड सी दिस वन, यू विल गेट द रिजल्ट। इनकेस, चलो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से रन करता हूं, पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई, पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई, यदि आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, सो यू विल गेट द आउटपुट, बट अगर एरर हुई तो आपका प्रोग्राम बाकायदा यहां एरर शो कर देगा, लेकिन अभी कोई एरर नहीं है, यू विल गेट एन आउटपुट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ पाइथन वेलकम इन डेटा प्लेयर। और यही काम मैं एक और कमांड से कर सकता हूं, पी वाई, देयर इज एन अनदर कमांड पी वाई फर्स्ट डॉट पी वाई, ये आपकी चॉइस है आप कौन सी कमांड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट आ गया वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ पाइथन वेलकम इन डेटा फ्लेयर। लेकिन अब आप देखो,
चाहे आप प्रोग्राम को पीवाई कमांड से रन करें, पीवाईसी कमांड से, डॉट पीवाईसी फाइल तो बनना चाहिए ना, राइट। लेकिन यहां पर अगर आप डीआईआर कमांड देखेंगे तो आपको अभी कोई पीवाईसी फाइल नहीं दिखेगी, ठीक। और यदि आप फोल्डर में भी देखोगे, आप देखो ये रहा फोल्डर अपना, दिस इज सी ड्राइव पाइथन डेटा, देयर इज नो पीवाईसी फाइल। तो यदि आपको पीवाईसी फाइल क्रिएट करना है यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, तो अब यहां पर आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना क्या है वो कमांड, सिंपली यू हैव टू राइट पाइथन हाइफन एम, पाइथन हाइफन एम पी वाई अंडर, इसका मीनिंग मैं आपको बाद में समझाता हूं, डोंट वरी, पी वाई अंडर स्कोर कंपाइल और अपने प्रोग्राम का नाम फर्स्ट डॉट पी वाई, क्या लिखना है पाइथन हाइफन एम, ठीक है पाइथन हाइफन एम पी वाई अंडर स्कोर कंपाइल फर्स्ट डॉट पी वाई एंड प्रेस एंटर बटन, दैट्स इट। अब अगर आप अपने उसी फोल्डर में dir कमांड से देखोगे तो आप देखो एक फोल्डर क्रिएट हुआ है अंडर स्कोर पी वाई कैशे अंडर स्कोर एंड इनसाइड दिस फोल्डर आपको अपनी pyc फाइल मिलेगी। तो इसको यहां से देखने के बजाय हम फोल्डर में भी देख सकते हैं, इसको मिनिमाइज करें और अपने फोल्डर में चलते हैं हम सी ड्राइव पाइथन डेटा, ये देखो आप ये अंडर स्कोर पी वाई कैशे, जस्ट क्लिक ऑन दिस और ये रहा आपकी pyc फाइल। अब मैं काम करता हूँ इस PYC फाइल को रीनेम कर देता हूँ, आई जस्ट रीनेम दिस, ठीक F2, और इसका नाम भी मैं फर्स्ट कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई है फर्स्ट डॉट सी पाइथन हाइफन 311 के नाम से, ठीक मैंने इसको सेव कर दिया फर्स्ट डॉट PYC। अब अगर मुझे इस PYC फाइल को डायरेक्ट रन करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे विदाउट एनी कमांड, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इस फोल्डर में जाना पड़ेगा PY अंडर स्कोर कैशे के नाम से, ठीक। तो यहां पर हम ऑलरेडी पाइथन फोल्डर में है, पाइथन डेटा में, अब आपको इसी में पीवाई कैशे में जाना है, ठीक। तो आप यहीं पे लिख दीजिए cd pyvai cache, तो ये आ गए अपन पीवाई कैशे में, cd कमांड से डायरेक्टरी चेंज की, इसी में हमारी पीवाईसी फाइल है। तो अब आपको यहां पे जो हम बोलते हैं ना पीवाईसी फाइल कैन रन डायरेक्टली, सिंपली यू हैव टू राइट फर्स्ट डॉट पीवाईसी एंड सी दिस वन, यू विल गेट द आउटपुट, गॉट इट। तो यदि आप डायरेक्टली, अब जैसे होगा ना, हम जो यूजर को फाइल देंगे तो वो थोड़ी ना इसको पाइथन कमांड से रन करेगा, और ये तो अभी कमांड प्रॉम्प्ट है खैर। तो पीवाईसी फाइल डायरेक्टली रन होती है एंड डायरेक्टली शोज द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे एक पाइथन के प्रोग्राम को नोटपैड में लिखते हैं और कैसे उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं। ये था स्टेप वन, जहां पर हमने पाइथन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नोटपैड पे समझा, ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे यही प्रोग्राम, अब जैसे मैं यहां से एग्जिट करता हूं, अब अगर मुझे यही प्रोग्राम नोटपैड की बजाय, सर पाइथन ने हमें अपना खुद का एडिटर दिया हुआ है, ये नोटपैड को अब मैं सेव करके बंद कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे पाइथन के प्रोग्राम को लिखना है लेकिन पाइथन आइडियली इन्वायरमेंट में, कि पाइथन का जो एडिटर है अब हम उसमें पाइथन के प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अच्छा एक ऑप्शन और आप देखो यहां पर, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सिंपली अगर यहां पे लिखेंगे ना पाइथन, तो यह पाइथन के शेल में एंटर हो गए, मतलब ये जो आता है सी दिस वन, मतलब क्या करना है आपको फिर से बताता हूं मैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आके सिंपली टाइप करिए पाइथन, ठीक है, तो आप आ जाएंगे पाइथन के शेल में, मतलब यहां पर भी आप पाइथन के कुछ सिंपल कोड रन करके देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा प्रिंट वेलकम, ठीक है, ये यहीं पर आउटपुट आ गया, देन आई जस्ट राइट प्रिंट 40+10, ठीक है, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 50, मतलब दिस इज एक्चुअली पाइथन आइट इन्वायरमेंट, ये पाइथन का इन्वायरमेंट है जहां पर आप पाइथन शेल बोलते हैं इसको, जहां पर आप पाइथन के प्रोग्राम छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को रन करके देख सकते हैं। और अगर इससे बाहर आना है तो देर इज अ कमांड एग्जिट, ये एग्जिट फंक्शन है, ये आप वापिस आ गए। लेकिन हमें जो पाइथन का प्रोग्राम अब रन करके देखना है वो देखना है पाइथन आईडीएली में, पाइथन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज एनवायरनमेंट में, ठीक। तो यहां पर सिंपली यू हैव टू राइट पाइथन, तो ये आ गया पाइथन आईडीएली, ठीक, जस्ट क्लिक ऑन दिस, ये तो ये आपका पाइथन का आईडीएली आ गया, ओके। अब ये वही चीज है, आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रिंट, जो अभी मैं डॉस में बताया था ना, ये सेम एनवायरनमेंट आपको थोड़ा ग्राफिकल दिख रहा है, प्रिंट वेलकम, और यू कैन राइट प्रिंट 40+10, ठीक है।
लेकिन ये सिंगल सिंगल कमांड के लिए बेस्ट है कि अगर आपको एक एक दो दो कमांड चला के देखनी है देन यू कैन राइट हियर। लेकिन अगर आपको यहां पे प्रोग्राम बनाना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कमांड, जैसा अभी मैंने वहां पे लिखा था ना नोटपेड में। तो नोटपेड को आप दो चार पांच प्रोग्राम के लिए एटलीस्ट देख लें, बाकी तो फिर हम पाइथन आईडीएली पे ही काम करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि यहां पर आपको एक प्रोग्राम बनाना है, सिंपल कमांड लिखना है, देन इट इज ओके। लेकिन अगर एक प्रोग्राम बनाना है तो यहां पर सिंपली गो टू दिस फाइल ए न्यू फाइल, ठीक है, और यहां पर आप अपना प्रोग्राम पूरा लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहां पर एक सिंपल दो नंबर के एडिशन के प्रोग्राम को लिखता हूं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, या पढ़ा है हमने, ठीक है, जहां पर हम यूजर से इनपुट लेंगे तो सिंपली हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, है ना, सिंपल दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम देखते हैं हम, ठीक, देन अगेन सेकेंड वैल्यू बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, एंड देन सिंपली सी इक्वल टू ए प्लस बी, और ये मैंने लिख दिया प्रिंट एडिशन इज कॉमा सी, एडिशन इज कॉमा सी, ठीक। अब इसके बाद इसको सेव करना है, लेकिन अब ध्यान रखना ये जो एडिटर जिसमें मैंने अभी कोड लिखा है ये पाइथन का अपना आईडीएली का एडिटर है, तो यहां पर आप फोल्डर में जाएं, ठीक है, जो फोल्डर अभी हमने बनाया था उसी फोल्डर में जाएं, पाइथन डेटा, इसका नाम रख दिया मैंने सपोज सेकंड, क्योंकि फर्स्ट नाम का प्रोग्राम ऑलरेडी इसमें है, इस पाइथन डेटा में जाना है, सी में पाइथन डेटा, ठीक है, फर्स्ट डॉट पीवाई नाम से ऑलरेडी फाइल है, लेकिन यहां पे आप ध्यान रखना आपको डॉट पीवाई नहीं लिखना है, मतलब देयर इज नो नीड टू यूज एक्सटेंशन बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ पाइथन एडिटर। जो इसके पहले जो कोड हमने लिखा था वो नोटपेड था, ये ऑलरेडी आप पाइथन के एडिटर में है, तो जस्ट राइट द नेम ऑफ योर प्रोग्राम, नो नीड टू यूज डॉट पीवाई एक्सटेंशन। तो सिंपली मैंने क्या लिखा, सेकंड, और अब यहां पर आपको रन करने के लिए कहीं नहीं जाना है, सिंपली आप रन वाले ऑप्शन में जाएं, और या फिर इसका शॉर्टकट है F5, ठीक। तो आप देखो मैंने सिंपली F5 प्रिंट किया एंड आई विल गेट दिस आउटपुट, मैंने पहला नंबर दिया 50, मैंने दूसरा नंबर दिया 20 एंड आई विल गेट द एडिशन इज 70। तो दिस इज हाउ यू रन योर पाइथन प्रोग्राम हियर। फिर आपको अगर उसमें कुछ चेंज करना है फाइल में तो ये फाइल आपकी साइड में है। यदि मान लो मैंने यहां लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ये बोला बॉस मुझे एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन भी चाहिए, तो हमने इसी कोड को कुछ इस तरीके से लिख दिया, सी इक्वल टू ए माइनस बी एंड एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज सी, ठीक है। यदि आपको मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए तो जस्ट सी ए इंटू बी एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं अभी, मल्टीप्लीकेशन शॉर्ट फॉर्म पे पूरा ही लिख देता हूं। और अगर आपको डिवीजन चाहिए तो ये ऑपरेटर वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज दिस डिवीजन, फ्लो डिवीजन और डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज सिंपल अ फ्लो डिवीजन ऑपरेटर, अभी ठीक है, अभी हम इसको यूज करके देखते हैं फ्लो डिवीजन। आप जो ऑपरेटर वाला टॉपिक है उसको जब देखेंगे तो आपको ये इजिली समझ में आ जाएगा। एंड जस्ट सेव दिस एंड रन दिस। तो अब अगर मैंने दो नंबर दिए मान लो 50 एंड 10, I'll get addition is 60, subtraction is 40, multiplication is 500, division is 5. So this is how you run your program in IDLE. इस तरीके से आप IDLE में भी प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं. Okay. And to exit, sorry, ये आप exit से बाहर आ गए. ठीक है. So I hope you guys can enjoy this lecture और आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक Python के प्रोग्राम को लिखा जाता है Notepad में, आईडीएली में, कैसे उसको रन करना है. ठीक है, दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं. सो जस्ट नाउ टाइप योर प्रोग्राम्स एंड इसको रन करके देखिए आप. और बहुत जल्दी मैं आपको पाइथन के कुछ और फैंटास्टिक एडिटर बताने वाला हूँ, लाइक पाइचाम पे हम बात करेंगे, लाइक जुपिटर पे हम बात करेंगे. ठीक है, तो जस्ट वेट टिल टाइम. अभी कम से कम 15 से 20 प्रोग्राम आप इन्हीं दोनों एडिटर को यूज करके बनाए सो दैट यू आर फैमिलियर विद दिस. ठीक है, तो चलिए जाने से पहले अगर अभी भी आपने बेल आइकॉन बटन पे क्लिक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो यार, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ. ओके, थैंक यू सो मच.